NIOS क्लास 10th का ये प्रैक्टिकल है उर्दू मीडियम का। और किस तरह बनाना है, सबसे पहले पेज पे आपको इंडेक्स बनाना होगा इस तरह से। और इस तरह से जो जो प्रैक्टिकल आप बना रहे हैं, जैसे सात है तो ये सातों मैथ के प्रैक्टिकल हैं, तो सातों के नाम लिख देने, इंडेक्स डाल देना है। फिर उसके बाद एक एक करके शुरू करना है। जैसे सर्गक वन है, भैया 2024 जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए सरगर्मी वन, ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ करें, बहुत साफ सुथरा लिखें। यहाँ पे लिखा हुआ अनवान, यहाँ पे मुतवक्को पस मंजर का इल्म और मकासिद, इस तरह जो जो लिखा हुआ है इसमें लिखेंगे। और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, दे दूँगा। और इस तरह से सारा लिखना है, दरकार मवाद, सरगर्मी की तैयारी, और इस तरह से साफ सुथरा बिल्कुल, ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बनाना है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल साफ दिखे और साफ लगे। उसके बाद जो है भाई अगले पेज पे आ जाइएगा, अगले पेज पे भी एक डायग्राम है, ये ही बनाना है। डायग्राम बहुत साफ सुथरा बनाइएगा, इसके भी मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद है मुजाहरे का इस्तेमाल, मतलब क्या इसके अंदर करना, मुजाहरा और इस्तेमाल। जहाँ पे ये आपको इस तरह से बनाना है, नतीजा लिखा हुआ है, ठीक है, इसी तरह से करना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अगले पेज पे, यानी सरगर्मी नंबर दो पे। ये सरगर्मी नंबर दो है, उनवान दे रखा है, दो मुतगयरात निज़ाम ने लकीरी मसावात के मुस्तकिल मिजाजी की शर्त तलाश करना। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे ही कर देंगे आप। अगले मवाद दरकार जो भी है, सरगर्मी की तैयारी, और इस तरह से बिल्कुल तैयार कर देंगे। उसके बाद भाई अगले उस पर आ जाएंगे, अगले पेज पे, ठीक है, ये आपका अगले पेज पे तैयार हो जाएगा। फिर आ जाएंगे बाबूजी अगले पेज पे, हाँ इस पेज पे भी तो है डायग्राम, ये भी देख लो भाई, बड़ी मेहनत से बनाया है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जो है ये इस तरह से डायग्राम बनाना है आपको ग्राफ पेपर पर, और यहाँ पे इस तरह से रहेगा बिल्कुल साफ सुथरा, ठीक है, ये बना दीजिएगा। इसके पेज पे नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 9 पे, और यहाँ पे इसी तरह ग्राफ पेपर है, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। और फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, ये हमारा आ गया, इस तरह से दोनों हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, लकीरी मसावात और तीसरे जोड़ों पर गौर करेंगे, तरतीब देंगे हर एक को, इस तरह ये बना दें। फिर इसके बाद यहाँ पर आगे ये तैयार करेंगे आप मुजाहिर और इस्तेमाल, इस तरह से बिल्कुल बढ़िया करके बना दें। फिर इसके बाद यहाँ पे नतीजा है ये दो लाइनों का, और इस तरह से इंटरसेक्टिंग को इंसिडेंट पैरेलल ये बना देंगे, इसका फॉर्मूला है वो भी लिख देंगे। अब इसके बाद एक डायग्राम है, ये डायग्राम जो है ऐसे ही बना लेना या फोटो नेट से निकाल लेना। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल गिराता है, यानी सर्कल के अंदर सर्कल, और ये इस तरह पैरामिड टाइप बना लेना। फिर आती भाई सरगर्मी नंबर 3, ठीक है, उनवान है शनाख्त की तस्दीक, फार्मूला लगा हुआ है इसमें a² - b² का, और ये पस मंजर है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है साफ़ सुथरा, और आप साफ़ सुथरा लिख सकते हैं तो और साफ़ सुथरा लिखेगा। और भाई इसमें वो डायग्राम आ गया नीचे, वो भी दिखा दो, ठीक है, डायग्राम बना लीजिएगा, और ये इसमें सरगर्मी है, ठीक है, सरगर्मी बना लीजिएगा इस तरह से, ये इस तरह से सरगर्मी हो जाएगी हमारी। सरगर्मी नंबर 4, उन्होंने इस बात की तस्दीक करने के लिए मुसलस के जाविये का जो एक सस्ती है, मुतवक्को पस मंजर का जाविया का तामीर और मकासिद, ठीक है जी, ये पूरा हो जाएगा आपका। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाए, नेक्स्ट पेज पे एक डायग्राम है, ये बना लीजिएगा, फ़ोटो क्लिक कर लीजिए या आप निकाल लीजिएगा नेक्स्ट पेज पर। डायग्राम मवाद दरकार क्या क्या है,
रंगीन कागज़, स्केल, पेंसिल, रबड़, गोंद, कैंची। सरगर्मी की तैयारी पूरी लिख लीजिएगा इसी तरह से, ठीक है। नतीजा ये भी लिख लीजिएगा। अगले पेज पे एक डायग्राम और है भाई, ये भी देख लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा डायग्राम है, इसे आप ऐसे ही बना लीजिएगा। उसके बाद सरगर्मी नंबर 5 है, ठीक है। सरगर्मी नंबर 5 इसे बना लीजिएगा। तकसीम के तरीके, दो दिए गए नंबरों का एचसीएफ तलाश करना, मुतवक्को पस मंजर येरा, एदाद के अवामिल, बहुत साफ़ सुथरा करके बनाइएगा। और जो है आपके लिए उर्दू में बहुत सारे सब्जेक्ट के बनाए जा रहे हैं धीरे धीरे। सरगर्मी नंबर 5 है, ठीक है भाई। तलाश करनी है, इस तरह से लिखे हुए हैं। जैसे जैसे आप लेते देखते आएंगे देखते आएगा, और इस तरह एक डायग्राम बनाना है। इसके बाद है मुजाहरा और इस्तेमाल, मुजाहरा और इस्तेमाल, ठीक है। आप देख लें क्या मुजाहरा और क्या इसका इस्तेमाल है। सरगर्मी नंबर 6 उनवान है इसका, ये मकासिद हैं इसके ये, और मतलूबा मवाद है। इसके बाद है सरगर्मी की तैयारी, सरगर्मी की तैयारी कर लीजिएगा। उसका मुजाहरा ABCD का रकबा, और इस तरह से पूरा घेर लेंगे, पूरा साफ़ सुथरा करके लेंगे। उसके बाद अगला और आखिरी पेज है तकरीबन, ये नहीं एक पेज और है इसका सरगर्मी। नतीजा किसी भी दाएं मुसलस से फ़र्ज कीजिए, मुरक्कब बाएं मुसलस की जानिब बराबर होंगे, और इस तरह पाइथागोरस थ्योरम कहलाते हैं। सरगर्मी नंबर 7 है, ठीक है भाई। उनवान है दायरे का रकबा, पस मंज़र, और इस तरह से पूरा आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो साथियों, ये था आपके लिए एक प्रैक्टिकल मैथ का, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और किसी भी तरह के असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल हो, नोट्स हो PDF फॉर्म में, हार्ड कॉपी में, या हेल्प बुक हो, तो आप भी हमसे रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।